सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। सीबीएसई की तर्ज पर प्रदेश में भी स्कूली पाठ्यक्रम में होगी कटौती, डोटासरा। केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकते इनकार। ऑनलाइन एजुकेशन की राहें आसान करती है दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल। कोरोना के चलते प्रदेश में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की पहल। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित करवाने का प्रदेश सरकार का पुरजोर प्रयास। सप्ताह में 5 दिन लगेगी ऑनलाइन कक्षाएं। रीट भर्ती से पहले खड़ा हुआ विवाद। 3 लाख बीएसटीसीधारी विरोध में उतरे। सरकारें आई और अपने हिसाब से बदलती रही स्कूली पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज की पहली खबर की तो केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकते इनकार। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर छात्रों और की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ राज्यों की परीक्षा न कराए जाने की एक तरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वे केंद्रीय हो अथवा राज्य के विश्वविद्यालय हो, कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। यूजीसी सचिव रजनीश जैन से कहा है कि उन्हें भी कई राज्यों की ओर से परीक्षाएं न कराने के फैसले पर जानकारी मिली है। जल्द ही वही संबंध में संबंधित राज्यों और विश्वविद्यालय से चर्चा करेंगे, साथ ही उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक बात है कोरोना संक्रमण के खतरे की, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की और यूजीसी दोनों ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। यही वजह है कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को कराने के फैसले को टाल दिया गया, अब सितंबर के अंत तक समय दिया गया है। कोरोना के चलते प्रदेश में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की पहल। दीक्षा ऐप के जरिए शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी से हो सकेगा लॉगिन। प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की अभिनव शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए दीक्षा ऐप द्वारा डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध करवाए गए हैं। शिक्षक इन मॉड्यूल को प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षा ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को शाला दर्पण की स्टाफ लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। प्रोजेक्ट स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप से पर इससे संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और साथ ही शिक्षक कहीं पर भी ले सकेंगे इसकी ट्रेनिंग। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने राज्य के शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे शिक्षक प्रशिक्षण इसमें नवाचार में अधिकाधिक भाग लें। शिक्षक कहीं भी इसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण इस तरह के नवाचारों में देश का अग्रणी राज्य बने। बात करें अपनी अगली खबर की तो सीबीएसई की तर्ज पर प्रदेश के में भी स्कूली पाठ्यक्रम में होगी कटौती, डोटासरा। सीबीएसई की ओर से सिलेबस में 30% कटौती किए जाने के बाद अब राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में भी कटौती की कवायद शुरू हो गई है। स्कूलों को जितने कार्य दिवस होंगे उसी के आधार पर सिलेबस रखा जाएगा। सरकार के नए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को भी निर्देश दे दिया है कि वे समिति बनाकर सिलेबस की समीक्षा करें। इसके सब में देखा जाएगा कि क्या अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर कार्य दिवसों की कमी को पूरा किया जा सकता है या फिर सिलेबस के पाठ को कम करना होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कार्य दिवस इतने अधिक कम हो जाएंगे कि इनकी भरपाई करना शिक्षा विभाग के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि सिलेबस का कुछ पार्ट कम करके ही विद्यार्थियों को राहत दी जा सकती है। डोटासरा ने बताया है कि पाठ्यक्रम की समीक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हर साल कार्य दिवस को लेकर कैलेंडर जारी करता है। कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है। कोरोना के चलते कार्य दिवसों में कमी आई है, निश्चित रूप से सिलेबस की समीक्षा की जानी चाहिए। सरकारें आई और अपने हिसाब से बदलती रही स्कूली पाठ्यक्रम। 20 साल में 5 बार सरकारों ने अपने अपने हिसाब से किए बदलाव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा में जहां समान पाठ्यक्रम की कवायद की जा रही है, इसके उधर राजस्थान में सत्ता के साथ स्कूली पाठ्यक्रम बदलने का विवाद चल रहा है। प्रदेश में सरकारें बदलने के साथ स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर हमेशा बवाल मचता रहा है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस और भाजपा अपने अपने हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव करती है। पिछले 20 सालों में स्कूली पाठ्यक्रम में 5 बार बदलाव किए गए हैं। 5वीं तक सेमेस्टर के हिसाब से होगी पढ़ाई। 5वीं पाठ्यक्रम के बदलाव के साथ पहुंची पुस्तकें। सप्ताह में 5 दिन लगेगी ऑनलाइन कक्षाएं। बाल राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। आयोग की मंशा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के कारण बच्चों के मानसिक शारीरिक मनोविज्ञान दबाव न पड़े। एडवाइजरी में बताया गया है कि ऑनलाइन शिक्षण एक विकल्प हो सकता है, परंतु इस व्यवस्था को कक्षा शिक्षण का पूर्ण रूप के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यापकों और अभिभावकों को यह विशेष ध्यान रखना है कि तकलीफ का कम और उपयोग किया जा सके। इस तकनीक का कम से कम और कितना उपयोग किया जा सके, 30 से 40 मिनट ही हो सकती है क्लास। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 30 से 40 मिनट का एक सत्र हो, इसमें न्यूनतम 10 से 15 मिनट का अंतराल रखा जाए। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए छोटे छोटे रोचक ज्ञानवर्धक 10 से 15 मिनट के वीडियो चित्रों के माध्यम से शिक्षण करवाया जाए। सामान्य पढ़ाई के लिए वीडियो की जगह ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल करना आवश्यक है। 3 लाख बीएसटीसी धारी विरोध में उतरे। रीट भर्ती से पहले खड़ा हुआ विवाद। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद
नया मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते वर्ष 2019 में 31,000 प्राध्यापक पात्रता परीक्षा की घोषणा की थी। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए 2 सितंबर की डेट भी घोषित थी, लेकिन करीब 7 महीने का समय बीतने के बाद भी अभी तक ना तो भर्ती का पैटर्न जारी हो पाया है, न ही विज्ञप्ति जारी हुई। वहीं इस भर्ती को जी शिक्षक भर्ती की में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री डोटासना पिछले दिनों नियमों में संशोधन करते हुए लेवल प्रथम में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की बात कही। इसके बाद प्रदेश में करीब 3 लाख से ज़्यादा बीएसटीसीधारी विरोध में उतर चुके हैं। गौरतलब है कि जून 2012 में आयोजित आरटेट अध्यापक पात्रता परीक्षा में सबसे पहले ये मुद्दा सामने आया था, जिसमें परीक्षा से मात्र 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बीएसटीसी डिग्रीधारियों के पक्ष में फैसला लेते हुए प्रथम में सिर्फ बीएसटीसीधारी को ही योग्यता माना था। और फिर से अटकने की है संभावना। राजस्थान बेरोजगार हकीकत महासंघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव ने कहा है कि अभी फिर से लंबे समय के लिए अटकने की संभावना बन सकती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि बीएसटीसी और बीएड डिग्रीधारियों को राहत देते हुए बेरोजगार के हित में फैसला ले। वहीं 12वीं इस पास स्तर में बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को अब परेशानी से जूझ रहे हैं। बीएसटीसी डिग्रीधारियों का कहना है कि बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास सिर्फ प्रथम लेवल का एक ही रास्ता है जिसमें नौकरी लग सकती है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित करवाने का सरकार का पुरजोर प्रयास। यूजीसी की ओर से परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद जहां प्रदेश कांग्रेस ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है, वहीं प्रदेश की गहलोत सरकार भी विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं को स्थगित करने और छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग को लेकर अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री से इस संबंध में बातचीत करने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश की कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है, रोजाना भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, इस स्थिति में परीक्षाओं का आयोजन करवाना भी लिहाज से ठीक नहीं है, परीक्षाएं दिलवाकर छात्रों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते, इसलिए भाटी ने कहा है कि वे खुद यूजीसी के प्रशासन की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर बातचीत करेंगे। उसमें कहेंगे कि छात्रों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर इन्हें बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट किया जाए। इसके संबंध में भंवर सिंह भाटी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय परीक्षाओं को शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में यूजीसी में संशोधित दिशा निर्देशों के बारे में पुनर्विचार करने के संबंध में लिखा है कि प्रदेश में अभी तक कोरोना यातायात सेवाओं का संचालन सामान्य नहीं हुआ है। प्रदेश में भौगोलिक दशाओं के कारण अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश में नगरीय शहरी केंद्रों में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने होम टाउन में गाँव जा चुके हैं। साथ ही कई तरह की इसमें बातें लिखी गई है और लास्ट में ये भी बताया कि उक्त भी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किसी राज्य में किसी भी परीक्षा का आयोजन करवाया जाना संभव नहीं है, अतः कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों और तथ्यों परीक्षाओं आयोजन की व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा के आयोजन के संबंध में पुनर्विचार करवाने का श्रम करवाएं। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।